डेयर स्टूडेंट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द अर्ली चाइल्ड ऑन एजुकेशन फॉर द सस्टेनेबल डिवेलमेंट इन दू कैंड कनिया हम बात कर रहे हैं मल्टी कल्चर की हम बात कर रहे हैं कल्चर प्रोजेक्शन की हम बात कर रहे हैं ट्रेनर्स और ट्रेनीस डिवेल्पिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज इनके अंदर जो हमारे पास कल्चर डायमेंशनस हैं उनका जो असरअंदाज होना है एक कल्चर का दूसरे कल्चर पर जो असरअंदाज होना है हम कहते हैं कि इससे अवॉइड नहीं किया जा सकता आप देखिए तमाम कल्चर जो दुनिया का कल्चर है मुख्तलिफ़ कल्चर्स जो दुनिया में पाए जाते हैं उनमें कुछ सिमिलरिटीज़ होंगी और कुछ डिफरेंसेस होंगे कुछ चीज़ें कामन हैं जो तमाम कल्चर में पाई जाती हैं मतलब ग्रेट करना हर कल्चर में पाए जाते हैं कुछ चीज़ें डिफरेंसेस हैं कुछ डिफरेंस उस वजह से हैं जो वेदर की वजह से लोकल एरिया की वजह से लोकल इन्वायरमेंट की वजह से है कुछ रिलीजन की वजह से हैं डिफरेंसेस कुछ रिलीजन की वजह से हैं डिफरेंसेस आप देखिए दो बातें हैं जब हम मल्टी कल्चर की बात करते हैं एक बात तो यह है कि अपनी आइडेंटिटी और दूसरी एक्सेप्टेबिलिटी देखिए मैं एक मिसाल देना चाहूंगा जहाँ तो कल्चर पैरनाइम्स कल्चर डिटर्मिनेट्स रिलीजन की वजह से हैं तो वहाँ तो हमें एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए भाई देखें ना मुख्तलिफ त्योहार हैं मुसलमानों का फितर है ईद अज़ी है हिंदुओं का त्योहार है इसी तरीके ईसाइयों के त्योहार हैं जूस के त्योहार हैं अब ये जो फेस्टिवल्स हैं इनके जो असरात हैं ये कल्चर आइडेंटिटी है बिकॉज ऑफ द रिलीजन अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के अडॉप्ट कर सके लेकिन ये पॉसिबल है कि एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाए कि भाई जैसे हम बात करते हैं हम कहते हैं कि जी जाना भाई हम ईद उल फ़ितर के ऊपर जिस तरह त्यौहार मना रहे हैं खुशियाँ मना रहे हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं तो भाई क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी जब क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर को त्यौहार मनाएगी तो हमें उस तरह उनको भी ग्रीट करना चाहिए वो जब फितर मना रहे होंगे तो उनको भी उनको मुसलमानों को ग्रीट करना चाहिए अब ये कल्चर डिफरेंसेस हैं तो अब जब आप बात कर रहे थे कॉमनलिटीज़ की सिमिलरिटीज़ की बात करते हैं तो ग्रीट करना फूड वगैरह मुख्तफ़ चीज़ें जो है वो कम्युनिटीज़ में या सिमिलरिटीज़ में आ जाती हैं आम तौर पे कल्चर के वो डिटरमिनेंट्स जो रिलीजन् की वजह से आते हैं वहाँ रिलीजन के डिफरेंसेस आ जाते हैं अब इन टर्म अगर हम बात करें लोकल कल्चर की और इन टर्म बात करें ग्लोबल कल्चर की तो हमें दोनों सूरतों में अपने बच्चों को टिपिकली उन्हें लोकल कल्चर की अवेयरनेस भी देनी चाहिए और हमें ग्लोबलाइज कल्चर के बारे में भी उनको अवेयरनेस देनी चाहिए उसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी उससे ये होगा कि हमारा इंडीज कल्चर जो है हमारा एक जो मिक्स कल्चर लॉन्ग टर्म है वो डेवलप हो जाएगा और जो हमारा मल्टी कल्चरल कॉन्सेप्ट है आइडिया है वो ग्रो करेगा और उसके अंदर कुछ कल्चर पैराडाइम ऐसे हैं जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी हो जाएगी कुछ पैराडाइम ऐसे हैं जिनको हम अडॉप्ट भी कर सकते हैं जैसे फूड है आप देखें ना के एफ सी है मैकडोनल है ये पाकिस्तान के कल्चर का हिस्सा तो नहीं है लेकिन हमारे कल्चर का हिस्सा बन गया है बुनियादी तौर पर ये अमेरिकन फूड है इसी तरीके से हमारा बहुत सा है जैसे हमारा समोसा है ये एशियन है लेकिन यह वेस्ट के अंदर भी खाया जाता है अब मल्टी कल्चर डायमेंशन की जब हम बात करते हैं और हम कहते हैं यूके के हवाले से या किन किनिया के हवाले से जब हम बात करते हैं हम हम फोकस कर लेते हैं इन केस ऑफ द यूके और किनिया तो उनकी जो प्री स्कूल पार्टनरशिप है उसके अंदर ना सिर्फ रिसोर्स शेयर किए गए बल्कि उसका फायदा ये हुआ कि कल्चर भी शेयर हो गया अब कल्चर शेयर होने के बाद मल्टी कल्चर एक डायमेंशन सामने आ गई और वो जो हमारा एम डी जीज एस डी जीज वो जो सेवनटीन पैराडाइम है जो ग्लोबल सस्टेनेबल ग्लोबल कम्युनिटी बनाना चाहते हैं उसके अंदर जो एक पैरामीटर्स है और वो है मल्ट मल्टाई कल्चरल डायमेंशन जो है वो हमारे पास यहाँ पे उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी आ जाए तो अब यूनी डायमेंशन की या यूनी कल्चर की बात करें तो वो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर पॉसिबल नहीं है अब मुमकिन है आने वाले वक्तों में यूनिक कल्चर तो डिपी ग्लोबल कल्चर तो डेवलप नहीं हो जाएगा हो सकता लेकिन मल्टी कल्चर सोसाइटी बन जाएगी जिसके अंदर डायवर्सिटी भी होगी और उसके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी भी होगी